पंजाब की जेलों का कनेक्शन अब पाकिस्तान से जुड़ चुका है। जेल में बैठे गैंगस्टर सीमा पार से हथियार पंजाब में मंगवा रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ ने सरकार से कहा कि पंजाब के एक जेल से गैंगस्टर ने पाकिस्तान में फोन किया और हथियार मंगाए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स ने अभी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जा सकता है कि किस गैंगस्टर ने जेल से पाकिस्तान में फोन करके हथियार मंगाए थे। इस सूचना के बाद जेल मंत्री भी हरकत में आए और जेल मंत्री ने जेलों में गैंगस्टरों पर खास नजर रखने के आदेश दिए हैं। नए आदेश के बाद ये कहा जा रहा है कि दिन के समय 5 से 6 बार गैंगस्टरों के बैरक की चेकिंग की जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही नशा तस्कर जगदीश भोला से भी पटियाला जेल से मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इस बीच भोला ने जेल सुपरिटेंडेंट को जान से मारने की धमकियां भी दी थी। वहीं जेल मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बात कहते हैं कि गैंगस्टरों के लिए पिछली सरकारों ने जेल सेफ हाउस बनाए थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार आने से गैंगस्टरों पर सख्ती की गई है। वहीं जिन लोगों से मोबाइल फोन बरामद हुआ है उसमें से पटियाला जेल पहले नंबर पर सामने आया है। पटियाला जेल के अंदर अभी तक सैकड़ों फोन चेकिंग के दौरान बरामद हुए हैं। जेल के बाहर से जो थ्रो आते थे उन पर रोक लगाने के लिए काम चल रहा है। इसी के साथ जेलों में जैमर आदि लगाने की तैयारी चल रही है। जेलों के आसपास सीसीटीवी आदि समय समय पर चेक करवाए जा रहे हैं ताकि थ्रो फेंकने वालों का भी पता चल सके। फिलहाल जेल के अंदर बैठकर गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। टीम बीडीएफ न्यूज़।